water taps together can fill a tank in 9 hole 3 by 8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can the separately fill the tank. तो क्या बोल रहा है कि दो टैप है, दो जो एक साथ किसी भी टंकी को 9 hole 3 by 8 hour में भर देते हैं, ठीक है। और जबकि बोला है कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है, ठीक है, वो 10 घंटा कम समय लेता है और स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से, यानी अगर सिंगली उनको खोला जाए सिंगल सिंगल, तो स्मॉलर डायमीटर वाले जो टैप है वो जितना समय लेता है, लार्जर डायमीटर वाला टैप उससे 3 hour कम समय लेता है। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, अकेला एक टैप उस कंट्री को कितना समय में भरेगा, दोनों के बारे में बताना है। तो मान ले द टाइम टेकन बाय A smaller tap is called to x hour. तो जो smaller tap है वो x hour का समय लेता है, ठीक है, और larger समय कितना लेगा, इससे 10 घंटा कम। यही लेगा s minus 10 hour, क्लियर है। तो एक सावर में पूरा टैंक भर देते हैं तो एक घंटे में कितना भरेंगे, अगर देखा जाए इन वन आवर फिल द टैंक बाई अ स्मॉलर टैंक, फिल द टैंक बाई अ स्मॉलर टैंक कितना होगा, 1/x पार्ट, जितना टंकी का है उसका 1/h पार्ट वो भरेंगे, ठीक है। अगर यही बात उनके साथ है लार्जर के साथ, तो वो कितना देर में भरेंगे, लार्जर टैप के बारे में अगर बात किया जाए तो वो 1/x/10 hour में पूरा, सॉरी वो एक घंटे में कितना फिल करेंगे, 1/h-10 part। अगर दोनों एक घंटे में देखा जाए तो दोनों मिलके एक घंटे में कितना करेंगे, टैप फिल द टैंक इन 1 hour, ठीक है। तो दोनों ये इतना भरेगा और ये इतना भरेगा, यानी कि पहला वाला 1/x भरेगा और दूसरा 1/h-10 भरेगा, ठीक है। तो बोथ टैप फिल द टैंक इन 1 hour, दोनों मिलके इतना भरेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं x x-10 x-10 plus x, यानी कि 2x-10 by h² - 10x, दोनों मिलकर 1 hour में इतना पार्ट टैंक भर देंगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन बोला है टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक 9 hole 3 by 8 hours, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू वाटर टैंक है जो इतना देर में वो भर दे रहे हैं, ठीक है। इधर together they fill the tank in 9 hole 3 by 8 hours means 75 by 8 hours, ठीक है। तो in 1 hour फिल द टैंक बाई बोथ टैप,
क्या होगा, 1/75/8 हो जाएगा, यानी 8/75। जबकि हमारे पास दोनों का सम हम निकाले हैं तो क्या आया था, यहाँ से देख सकते हैं, तो दोनों का जो सम आया है वो ये आया है ना, 2h-10h²-10x। तो 2h-10 और h²-10x इज इक्वल टू 8/75। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 150x-750, ठीक है, 8h²-80x, ठीक है, 8h²-80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 8h², 230 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4h²-115x सॉरी प्लस 375 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहां पे आया 4h²-115x प्लस 375 इक्वल टू 0, डिवाइड करेंगे 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फैक्टर करते हैं, तो जैसे ही फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4h², ठीक है, 100-15x प्लस 375 इक्वल टू 0, ठीक है, 4h कॉमन ले लिए, यहां ले बचा x-25। फोर एच माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एच माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 25। और दूसरा आया 4h-15 इज इक्वल टू 0 एंड 4x इज इक्वल टू 15 और h इज इक्वल टू 15/4, दो वैल्यू आया, ठीक है। तो 15/4 इज नॉट ए पॉसिबल, क्यों नहीं, क्योंकि इससे तो लेस हो ही नहीं सकता है, 10 आवर लेस है, तो ये 10 से तो हमेशा ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो जो स्मॉलर टैप है वो कितने देर में भरेगा, बोल संगी, जो स्मॉलर टैप है वो 25 आवर में फिल करेगा, और जो लार्जर टैप है, लार्जर डायमीटर वाला टैप, वो इससे 3 आवर कम यानी 15 आवर में। तो लिख सकते हैं कि स्मॉलर टैप विल फिल द टैंक इन 25 आवर, ठीक है, एंड लार्जर टैप (25-10) यानी कि 15 आवर। तो ये कहानी, ठीक है, तो लार्जर टैप भरेगा आपको 15 आवर में और स्मॉलर टैप 25 आवर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल।